हाय सर, हेलो। कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया है। आप बताइए। भी बढ़िया है। किसी रिकॉर्डिंग में बिजी थे आप लोग फिलहाल? हाँ, बस थोड़े कुछ कुछ लाइनअप थे, कुछ कुछ चीजें वही चल रही थी। आपका जो मेरे साथ है संदीप गोस्वामी, जो ये गाना आया है मेरा, उसके म्यूजिक कंपोजर है। चल कोई अच्छा अच्छा बहुत ही प्यारा गाना है। मैंने सुना वो गाना, बहुत ही प्यारा गाना, बहुत प्यारा है। उसकी स्टोरी लाइन काफी अच्छी है एंड वो बहुत बड़ा हिट भी गया। सो कांग्रेचुलेशंस फॉर द यू नो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ हिट्स एंड लाइक्स। सो इसमें हमने देखा है कि आपने टिकटॉक स्टार्स को चूज किया है। सो व्हाई डू यू चूज द टिकटॉक स्टार्स? टिकटॉक स्टार्स को। अब टिकटॉक स्टार्स तो हाँ इट्स सही है, आपने वर्ड टिकटॉक। यूज़ हाँ किया, स्टार्स हैं वो, क्योंकि इनको हम लोगों ने भी टिकटॉक से ही देखा था। और फिर उसके बाद लेवल के साथ शेयर किया था कि अगर क्योंकि ये जो दिलदारी, ये जो चल कोई गल नहीं है, ये इससे पहले मेरा गाना आया था दिलदारी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, आपने भी शायद सुना होगा। तो ये जो दिलदारी चल कोई गल नहीं है, ये दिलदारी का सीक्वल है, मतलब सेकेंड पार्ट है। इसको दिलदारी 2 के नाम से भी लोग, तो अभी क्या है कि हुआ क्या कि जब ये गाना फाइनल हुआ हमारा लेबल के साथ, तो मुझे भी और संदीप को भी ऐसा लगा कि अगर इन लोगों को ये गाने में लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने ऐसा कई जगह बोला है कि ये लोग पर्सनली मुझे पसंद है, इसलिए मैंने लेवल के साथ शेयर किया। जो पल्स म्यूजिक इंडिया है जिस पर ये गाना आया है, इसके जो ओनर हैं मुकेश शर्मा जी, इनके साथ भी बात की। इवन वो इन लोगों को नहीं जानते थे, क्योंकि उनका बॉलीवुड का रहता है, वो कई फिल्म वगैरह जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उन वो लोग इनको नहीं जानते थे। फिर जब हम लोगों ने बोला तो इनके बारे में देखा, कुछ सर्च किया जो भी उन्होंने किया होगा, उसके बाद फिर ये चीजें आगे बढ़ी, तो इसलिए इनको चूज किया। और इवन ये था कि लेवल में तो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया था इन लोगों को लेकर के, कि क्योंकि उनको ऐसा लगा था कि शायद उनको किसी ने बोला था कि अगर इनको लेंगे तो कुछ चीजें आगे डिस्टर्ब होंगी, और इसलिए वो नहीं चाहते थे कि ये लोग आगे वो हों। बट हम लोगों ने रिकमेंड किया था, तो उनको ऐसा लगा कि अगर हम जो है सिंगर हैं, म्यूजिशियन डायरेक्टर हैं, इनको ऐसा लगता है तो ठीक है, इनको ही लेते हैं। तो ऐसा मुकेश सर हैड एनी अदर पीपल इन हिज माइंड व्हाइल यू नो कास्टिंग द सॉन्ग? लाइक उनको कोई और चाहिए था इसलिए उन्होंने मना किया इन लोगों को, या देयर वाज सम अदर रीजन, या उनके दिमाग में नहीं, कोई नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था उनको। ऐसा नहीं था कि उनको दूसरा कोई चाहिए था। उनको ऐसा लगा कि मतलब स्टोरी जो है वो प्रॉपर मेच्योर स्टोरी है, तो इसमें जो है थोड़ा सा अच्छा एक्टिंग में लोग रहेंगे जिनको एक्टिंग का अच्छा एक्सपीरियंस है, तो वो ज्यादा ठीक रहेंगे। ये चीज उन्होंने उसके लिए बोली थी। बट उसके बाद क्या हुआ था कि जब इनका नाम सजेस्ट हुआ था, तो एक ये होता है कि जैसे वो नहीं जानते थे, तो उन्होंने अपने लोगों में एक बंदा होता है वो डिस्कस करता है उस चीज को लेकर के, तो उन्होंने डिस्कस किया। तो जो अरिशेफा खान है, इनका थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं उनको मिला था। लोगों ने बोला था कि अगर आप इनको लेते हैं तो आगे बहुत तरीके की चीजें आपको जो है वो प्रॉब्लम आएंगी प्रोजेक्ट में, और इन लोगों का अच्छा जो है वो नहीं है कि प्रोजेक्ट के साथ कॉपरेट जो करते हैं वैसा वो नहीं करते हैं। तो ये बात सब चीजें थी। बट ऐसा लगा जब उन्होंने ये बात बताई तो हम लोगों को भी ऐसा लगा, और हम लोगों ने उनको बोला भी कि मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से जलस होते हैं, तो वो भी एक रीजन होता है ऐसा बोलने का किसी के लिए। तो फिर ये बात इसलिए ही आई थी कि उनको कई लोगों ने बोला था कि इनको लेकर के नहीं करते, ये रीजन था। सर, हमने आपने जो यूट्यूब पे एक वीडियो डाला था जिसमें आपने कहा है कि यू नो इट्स लाइक आपका जो काम था अरिशफा खान एंड लकी डांसर के साथ वो उतना अच्छा नहीं रहा, दे डिडंट कोऑपरेट मच। तो उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए। नाउ दे वर आस्किंग कि हाँ उनको काफी डिटेल में जानना है कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ सो दैट दे कैन सपोर्ट यू मोर। आप हमें बता सकते हैं डिटेल्स में क्या क्या हुआ था एग्जैक्टली? अब डिटेल में तो बहुत कुछ होता है, एक बहुत लंबी कहानी होती है, क्योंकि बात हम लोग करते हैं गाने की, कि जब एक ये दिलदारी और चल कोई गल नहीं हम लोगों ने प्लान किया, इसको लेकर के आएंगे, तो इसके पीछे की एक स्टोरी थी। बहुत बड़ी एक यूनिट होती है जो काम करती है, बहुत बड़ी एक टीम होती है
जो लास्ट तक रिलीज तक साथ रहती है। तो वो सारी टीम जो है, जब यहाँ से लेवल ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, ये मैं जरूर बोलना चाहूंगा। जैसे यार शिफा खान और लकी डांसर इनको साइन किया गया था, वैसे ही हम लोगों को भी साइन किया गया था। हम लोग भी उनकी तरह ही प्रोजेक्ट में इन थे, बट और भी बहुत से ऐसे लोग थे, बट किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेवल के साथ या जो भी। और अगर मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर इनको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम थी, तो वो बात आपको बोलनी चाहिए थी। ऐसा थोड़ी करना चाहिए था प्रोजेक्ट के साथ। और ऐसा ही हमें मालूम भी चला था प्रोजेक्ट के पहले कि ऐसा ही कुछ ये लोग करते हैं, खासकर अरिशिफा खान, और वैसा ही सीन हुआ। अब जो आपने बोला कि वहां पर क्या हुआ था, क्या ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है। इसके पीछे मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि लेवल ने हर चीज बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। मुकेश शर्मा जी जो लेवल के ऑनर हैं, वो पूरा मुंबई से इतना सारा जो टीम वगैरह होती है सब देहरादून लेकर के पहुंचे सारी चीजें, और वहाँ जो हम लोगों को फैसिलिटीज होती हैं सारी चीजें दी गई, जो होता है एक आर्टिस्ट के लिए जरूरी होता है। और बहुत सारे लेबल्स ऐसे हैं जो वो चीजें नहीं करते हैं, बट पल्स म्यूजिक इंडिया ने वो सारी चीजें करी जो जरूरी होती हैं। और बाहर से जब लोग जाते हैं तो वो चीजें उनको मिलनी भी चाहिए एक आर्टिस्ट के लिए, वो सारी चीजें पल्स म्यूजिक इंडिया ने करी। बट उसके बाद भी मैंने एक वीडियो में ये बात भी बोली है, आपने अगर वीडियो देखा होगा तो जरूर सुना होगा, मैंने बोला है कि चल कोई दिलदारी और चल कोई गल नहीं का जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ 10% है। ये 10% सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये जो स्टोरी सोची गई थी, जो चीजें थी, उसमें इन लोगों ने कॉपरेट ही नहीं किया कहीं भी, खासकर अरिशिफा खान ने। मतलब इनका तो ऐसा रवैया था कि सर इसके लिए वहां क्यों जा रहे हैं, यहीं शूट कर लीजिए ना, मुंबई में किसी घर में कर लीजिए ना, वो तो बस गाना अच्छा होना कुछ भी हो जाता। इस तरीके से, इस तरीके का जो मैंने बोला है कि ये लोग प्रोफेशनल नहीं है, तो वो ये चीजें थी। इसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब हुआ वहां पहुंचने के बाद। यहाँ से फ्लाइट लेने के बाद से ही सारी चीजें, हमें ये नहीं मिल रहा है, हमें फ्लाइट में खाना नहीं मिल रहा है। और हर्षिल जो है अपना देहरादून में मसूरी से बहुत ऊपर है, ये सारी लोकेशन थी, तो वहाँ ये लोग गए नहीं, इन्होंने मना कर दिया, हम वहाँ शूट नहीं करेंगे, जाकर वहाँ नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर 5 स्टार 7 स्टार होटल नहीं। तो अब इस तरीके की चीजें जो होती है पूरी, मतलब हम लोग बहुत आर्टिस्ट के साथ काम कर चुके हैं, कर रहे हैं, लगभग 20 सॉन्ग्स मेरे लाइनअप है, बट इस तरीके का एटीट्यूड, इस तरीके की चीजें किसी के साथ नहीं है, ना ही कोई करता है। जब हम लोग अगर मुंबई से देहरादून गए हैं, तो वो सिर्फ गाने के लिए गए हैं, ना कि खाना खाने और एंजॉय करने। आप एंजॉय करो, प्रोजेक्ट हो जाता है, आप एंजॉय करो, उसमें कोई किसी तरीके का वो नहीं होता है। बट ये सारी चीजें रही, इनको पहुंचते ही हालात ये हो गए कि अब वापस चलना है, नहीं हो पाएगा, मतलब यूनिट को लगने लगा। इवन जो हमारी टीम थी, जो सब गए थे टेक्निकल्स, कैमरा मैन, डायरेक्शन, वो सब बोलने लगे कि अगर आपने, हम लोगों ने देखा है कि कैसे हैरेस हुए हैं मुकेश शर्मा जी, कि उनसे बोला कि अगर इस तरीके के अनप्रोफेशनल लोगों को आप लेकर के आएंगे तो हम दोबारा आपके साथ काम नहीं करेंगे। किसी भी सॉन्ग में अगर ऐसा कोई कास्ट आप रखते हैं तो हमें पहले से अवेयर कर देना, वरना किसी और को ले लेना। तो ये सब चीजें थी। मतलब एट द एंड ये है कि मतलब गाना जो हम लोग सोच करके गए थे, जो वीडियो सोच करके गए थे, वो नहीं हो पाया। फिर उसके बाद चल कोई गल नहीं का इतना लेट जो वीडियो आया, उसका रीजन भी यही है कि स्टोरी पूरी नहीं हो पा रही थी, तो बहुत मुश्किल से सारी चीजें जो एडिटर एंड पर होती हैं वो की गई, तो पूरी की गई क्योंकि लोग स्टोरी देखना चाहते थे। लाखों हजारों मैसेजेस आते हैं कि हमें दूसरा गाना देखना है। इवन अभी चल कोई गल नहीं आया, लोग कहते हैं पार्ट 3, तो अभी तो हम लोग कान पकड़ रहे हैं कि इसका ऐसे एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ रहे हैं वहां पर। हालांकि लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और सबको मैं आप लोगों के माध्यम मीडियम से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू। और ये भी मैं चाहता हूँ कि अपने लोगों को शेयर करें गाना ये, तो ऐसा ही एक्सपीरियंस रहे हैं। बट हाँ, एट द एंड ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि गाना होता है, गाने में अरिशिफा खान है, लकी डांसर है, मैं हूँ, भाई है संदीप गोस्वामी। तो मेन चीज ये है कि आपने लोगों को पोस्टर तक शेयर नहीं किया। इवन मैं आपको बताऊं, लेवल ने फोन किया कि भाई इनको कि आप अपना अपना इंडिविजुअल पोस्टर दो, इनके इश्यूज के चलते कि भाई अलग अलग पोस्टर, आपने देखा होगा मेरा अरिशिफा के साथ एक अलग पोस्टर है और जो है लकी के साथ अलग है, वो इनके परफॉर्मेंस जो भी है उनके चलते कि शायद ऐसा इसलिए हो रहा हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। इन लोगों ने तो रिस्पॉन्स ही नहीं किया क्योंकि इनको ऐसा लगता है, और ये चीज हमने फील भी करी थी कि
जो अनप्रोफेशनल वर्ड मैंने यूज किया है वो इसके लिए कि इनको सिर्फ कुछ चीजों से मतलब था, जैसा होता है कि अपने चांसेस हो गए और ये सब और फिर खत्म, आप जानो आपका काम। बट ये लोग, इन लोगों को ये नहीं बोलना चाहिए कि जैसे गाना है यार दिलदारी है, अगर आज कोई आप दिलदारी को देखते हो जा करके तो उसमें मैं जे एम दिखूंगा आपको, तो सिर्फ मैं ही नहीं दिखता हूँ, उसके अंदर अली शफा खान दिखते हैं आपको, लकी डांसर भी दिखते हैं, वही चीज चल कोई गल नहीं में, तो वो चीज तो आप नहीं हटा सकते ना। अगर जिसको आप जिसको गाना सुनना है वो आपको देखेगा ही देखेगा। तो हाँ ये जरूर आप ऐसा कर करके ये जरूर कर देते हैं कि हम लोगों को ये एक कहते हैं कि एक्सपीरियंस हुआ कि किसी भी ऐसे आर्टिस्ट के साथ काम करने से पहले हमको 10 बार सोचना चाहिए। और इसलिए मैंने वीडियो डाला कि जो आर्ट में है, जो म्यूजिक में है, जो प्रोडक्शन में है, वो लोगों को ये जरूर होना चाहिए कि जिसको भी लेकर के आ रहे हैं, चाहे वो सिंगर ही क्यों ना हो। अगर आज आज आप सोचो, अगर मैं सिंगर हूं, मैं मेरे अभी 20 सॉन्ग्स आ रहे हैं, मैं 2-4 सॉन्ग्स के बाद ऐसा करने लगूं लेवल के साथ, तो फिर गाना हो ही नहीं पाएगा। संदीप सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एजेएम सर के साथ काम करके? जी मेरा तो मतलब एक्चुअली मैं और एजे तो काफी पुराने हम लोग दोस्त भी हैं, और एक हमारी टीम है इसके पहले जी म्यूजिक के साथ और भी काफी लेवल्स के साथ, इनके गाने और मेरे गाने, मतलब मेरे तो काफी दर्शन रावल का बारिश लेते आना वो मेरा गाना है, और इंडी म्यूजिक के साथ काफी गाने मेरे हैं, एजे के साथ में मेरे काफी गाने आ चुके हैं, और अभी जो जो हम बाकी गानों की बात कर रहे हैं 20 में शायद 8-10 गाने मेरे भी हैं। तो ये सारे लाइनअप है, और हम लोग मतलब इनफैक्ट मुझे भी क्योंकि हम जब भी वहां गए थे तो हम लोगों को सब सेम वैसा ही लगा कि हर दिन ऐसा लगता था कि आज शूट बंद हुआ, आज कुछ प्रॉब्लम हुई, आज फिर ये गाना आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो हम इसी कश्मकश में ही शूटिंग कर रहे थे। तो आप समझ सकती हैं कि यहाँ से जब इतने सारा इतना बड़ा क्रू जब देहरादून, वहां से फिर मसूरी, वहां से हर्षिल जाता है, तो हर किसी को मैनेज करना पड़ता है, और वहां पे जाने के बाद फिर ऐसा लगने लगा कि हम क्रिएटिवली कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम शायद यही सब चीजों में फंस गए हैं। जबकि मुकेश शर्मा जी काफी सीनियर, मतलब पिछले 30 साल से वो बहुत बड़े बड़े अमिताभ बच्चन, बाकी सब, ऋषि कपूर, काफी लोगों के साथ उन्होंने पिक्चरें प्रोड्यूस की हैं, और अभी भी उनकी रिसेंटली एक फिल्म आने वाली है काफी बड़ी, और मतलब ऐसे सीनियर आदमी के साथ जो लेबल को ओन कर रहे हैं और उनके साथ उनका बिहेवियर और बाकी चीजें बहुत ही गलत, बहुत गलत था, और हम उसको मतलब सोच भी सकते, इमेजिन नहीं कर सकते कि इतना गलत बिहेवियर था उनका, तब भी हम लोग कंट्रोल करते रहे कि जैसे तैसे एक प्रोजेक्ट को हमने ऑन किया है, शुरुआत की है, उसमें पैसे लगे हैं, काफी लोगों के सपने हैं, काफी लोगों की चीजें हैं, तो उसको कहीं ना कहीं पूरा किया जाए। लेकिन वो खत्म होते होते मतलब अब जब कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि आपको आफ्टर ऑल फाइनली ऐसा लगता है कि आपने किसी एक आर्टिस्ट को अगर प्रोफेशनली हायर किया है, मैं अगर अलशिफा लकी की बात करूं, तो जैसे हम लोगों को हायर किया गया तो हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, तो अगर आपको भी हायर किया गया तो आपकी ड्यूटी है, आपको क्यों हायर किया गया? अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं तो आपकी ड्यूटी है कि एटलीस्ट आप अपने फैंस या बाकी लोगों तक वो गाना तो पहुंचाएं जिसके लिए आपको हैंडसम अमाउंट मिला है, जिसके लिए आपको हायर किया गया है, और आपकी सारी लेविश नीड्स को पूरा किया गया है वहां जाने के बाद। लेकिन दिलदारी में भी यही हुआ, बहुत अंडर प्रेशर चीजें हो रही थी, पोस्ट डिलीट किए जा रहे थे, एक पोस्ट अगर आपने देखा होगा अरिलीज नो मोर करके इन्होंने पोस्ट डाला था जिसमें इन्होंने फोटो, लकी ने एक फोटो डाली थी अर्शिफा के साथ, और विद इन हाफ एन आवर ऐसा कुछ अर्शिफा और उनकी मॉम ने शायद उनको कहा और उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दी, तो वो तब तक फैंस कॉपी कर चुके थे उसको। तो दिलदारी में भी बहुत अंडर प्रेशर चीजें शेयर हो रही थी और उस तरीके से शेयर नहीं हो रही थी जैसे गाने को होनी चाहिए, लेकिन फिर भी पब्लिक का बहुत प्यार मिला, आज 20 मिलियन 19 मिलियन क्रॉस होने वाला है, और चल कोई गल नहीं, आते आते वो सब कुछ खत्म ही हो गया। मतलब अभी तो ऐसा वैनिश हो गया कि इन्होंने पोस्टर शेयर नहीं किए, इन लोगों को बहुत बार हमने कॉल मैसेजेस किए, वॉइस नोट पड़े हुए हैं कि आप एटलीस्ट अपना एक फोटो दीजिए कि हम उसको कम से कम नए पोस्टर के लिए बना पाए, उन्होंने कॉल पिक करने बंद कर दिए और कोई रिस्पॉन्स नहीं, क्योंकि उनके सारे जो उनकी नीड थी उनकी पूरी हो चुकी है अगर मैं फाइनेंशियली बात करूं तो। उसके बाद फिर उनका कोई कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं है हम लोगों के लिए, जबकि हम लोगों ने उनसे डिस्कस भी किया था कि बहुत कुछ बातें हुई थी पॉजिटिव लेवल पे भी कि हम अच्छे गाने कर रहे हैं, आने वाले टाइम में भी आप भी उसके हिस्सा, आप उनका हिस्सा बनेंगे, लेकिन क्या कहें, मतलब उनका क्या पर्सनल इशू था या वो उन्होंने प्रोफेशनली लाके ऐसा किया कि हम लोगों के साथ में वो कहीं ना कहीं अलग लेवल पे जाके खड़ा हो गया, तो उनके साथ तो बहुत ही गलत, बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा है, और हम चाहेंगे कि कभी कभी भी ना किसी के साथ ना हो, और शायद इसीलिए एजे ने ये वीडियो डाला भी
वो इसलिए नहीं कि हम मतलब किसी चीज को लेके, क्योंकि काफी मैसेजेस आ रहे थे कि वायरल है या पब्लिसिटी स्टंट है, बट लेकिन हम आर्टिस्ट हैं और हमारे लिए गाना मतलब एक बेबी की तरह होता है, उसकी शुरुआत से लेके उसके लास्ट तक वीडियो होने तक। तो बहुत मेहनत से, बहुत फील से ऑडियो वीडियो को कंप्लीट किया गया था और बड़ी मुश्किल से काफी दिनों बाद रिलीज हो पाया, जैसे तैसे उसका एडिट हो पाया। तो हमने तो खाली इसलिए डाला कि दूसरा आर्टिस्ट कम से कम बचे उन चीजों से कि आपको जो दिखता है वो होती है, पीछे की सच्चाई ये है। और हमारे पास तो खोने में कुछ बचा नहीं है, हमने तो बस डाल दिया है। तो अब ये है कि ऑडियो को अगर प्यार मिल रहा है, अच्छी बात है, ग्रेजुअली वो आगे और बढ़ेगा और आप लोगों के मीडियम से जो प्यार मिल रहा है वो चीज है। So, इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स हुई देहरादून में ये वीडियो शूट करते हुए, आप लोगों को लगता है कि बिकॉज अरिशफा और लकी डांसर के बीच में जो पहले से ही उनके पर्सनल रिलेशनशिप के जो इश्यूज थे उसके कारण यहाँ पे वो चीजें रिफ्लेक्ट हुई है? रिफ्लेक्ट क्या? जैसे कि अभी आपने बोला था टिकटॉक से आए हुए हैं लोग हैं, बट क्या था उसमें ये चीज मुझे देखने को मिली है। इन्हीं की बात नहीं है, कुछ और भी ऐसे लोग हैं जिनको मैंने ये देखा है कि आपस में एक दूसरे का पोस्ट और इस तरीके की चीजें इसलिए नहीं डालते हैं कि उनको लगता है कि मेरी वजह से उसके फॉलोअर्स ज्यादा हो जाएंगे, जिसे एक इसलिए मैंने अनप्रोफेशनल वर्ड यूज किया है इनके लिए। तो ये सब चीजें इन लोगों की है और इनके बीच जो पर्सनल इश्यूज हैं उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा बात इसलिए भी नहीं करूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि वो सारा कुछ मतलब मेरा एक पर्सनल ये मानना है कि वो बहुत ज्यादा सही नहीं है, वो केवल पब्लिक को जो है वो मैनिपुलेट करने के लिए ही सारा स्टोरी लाइन है वो। हाँ, हालांकि ये है कि ये आपस में इनका एक फैमिली टर्म्स थे जो अभी नहीं है, वो दिलदारी के पहले ही खत्म हो गए थे क्योंकि ये लोग आपस में भी सेट पर बात नहीं कर रहे थे और ये बात पहले इन लोगों ने इन्होंने बोल दी थी मैं हम हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है, और इन्होंने बोला था हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है, तब मेरा उसके बात नहीं करूंगी और उनकी हमसे कोई बात भी बंद करना। तो ये सब चीजें चल रही थी वहां पर पर्सनली वो, बट इनका पर्सनली क्या है मतलब मेरा मानना ये है कि आपका कुछ भी पर्सनल इश्यूज है बट वो प्रोफेशनली नहीं कनेक्ट करना चाहिए या उसको लेकर के नहीं आना चाहिए, थोपना नहीं चाहिए और वैसा ही हुआ था। बहुत अच्छा रहा ये होगा, गाने को सॉन्ग को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, दिलदारी गाना और ये और चल कोई गल नहीं हमेशा गाते रहते थे दोनों लोग। अभी आप एक दिलदारी के बाद लकी ने इंटरव्यू भी दिया है, वो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, वो भी आप देखो, उसमें भी वो बोल रहा है कि ये जो सिंगर हैं और यूनिट के लोग हैं बहुत अच्छे थे और ऐसा मुझे कहीं पर भी लगा नहीं कि मैं फैमिली से दूर बाहर आया हूँ, दिल्ली से बाहर आया हूँ, मुंबई से बाहर आया हूँ। तो यही मेरा वो था कि जब जब ऐसी चीजें तुम खुद जानते हो कि आपको लेवल और सब लोगों ने दी, एक फैमिली जैसा माहौल दिया, तो फिर आप क्यों क्यों एक टाइम के बाद जब आपको ऐसा लगा कि मेरा काम निकल गया तो आपने वहां से मुंह मोड़ लिया। ये चीज गलत है कहीं ना कहीं, और मैंने इसलिए ये वीडियो डाला कि कम से कम नए लोगों को ये मालूम चले कि आप जिसके साथ काम कर रहे हैं वो उस प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट है या नहीं, ये जरूर देखने वाला। मेरे लिए भी यही है, सेम चीज मेरे लिए भी है कि अगर मैं किसी सॉन्ग के लिए परफेक्ट नहीं हूँ तो वो गाना मुझे नहीं गाना चाहिए। सो आपने इन्हीं दोनों को मतलब ये काफी यंग एक्टर्स है मतलब टिकटॉक स्टार्स है, इनसे भी ज्यादा बड़ी उम्र के और यू नो इस रोल के लिए ऐसे लव स्टोरी के लिए एक परफेक्ट फिट बैठते हैं, जैसे भाविन है, समीक्षा, ये सब भी टिकटॉक स्टार्स है, इनके भी काफी फेम्स है। सो आप लोगों ने उनको क्यों नहीं चुना व्हेन यू गॉट दिस लाइक ऐसा इमेज? बेसिकली एक होता क्या है कि एक खुद के दिमाग में माइंड में ऐसा रहता है कि ये लोग जाते हैं, मुझे मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगता था कि ये लोग ठीक हैं दिलदारी सॉन्ग के लिए, अप्रोच किया गया, रिस्पांस भी अच्छा आया और लेवल ने अप्रोच किया तुरंत गाना सुनने के बाद, तो तुरंत अरिशिफा बोली मुझे तो यही गाना करना है और ऐसा। और वो टाइम उससे पहले ममता शर्मा का गाना, ममता शर्मा जी का गाना आया था यारा था, उसका भी अच्छा रिस्पॉन्स था और अच्छा किया था उसमें, तो इसलिए ही इनको कास्ट किया गया। और बाकी लोगों के साथ क्या है, बाकी लोगों के साथ अभी भी बहुत लोगों के साथ बात चल रही है लेवल की भी, हमारे गाने के लिए अभी भी गाने रेडी हो गए हैं, काफी और आर्टिस्ट देखे जा रहे हैं, बहुत सारे रियाज अली वगैरह सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो अभी देखते हैं क्या है। बट पर्सनली इन लोगों के साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो ये है कि अभी सब जगह सोचना पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा
कि कहीं भाई सॉन्ग को ही आगे रखते हैं, फिर बाकी देखेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी बार भी वैसा ही कुछ हो जाए। तो ये, और इन लोगों को लेने का क्या, देखो मैंने वीडियो में भी बोला है कि ये पर्सनली मुझे दोनों बहुत पसंद है, खासकर साथ में। आरिशिफा ने और सब बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं शायद, जिनमें लकी नहीं है उनके साथ। लकी तो शायद पहले ही, ये इसका दिलदारी वीडियो था जिसमें लीड में था ये, और नहीं था, बट टिकटॉक पर ये जोड़ी जो है ये लोग पहचानते थे इसको, एरेली के हैशटैग इनका चलता था। बाकी लोगों के साथ अभी है क्या कि ऐसा नहीं है जो आपने बोला अभी कि दूसरों को क्यों नहीं लिया, दूसरों को लेने का मतलब नहीं है, लेते हैं उनको, हो सकता है आगे भी लें क्योंकि गाने बहुत सारे हैं और आगे भी आएंगे, तो हो सकता है उनके साथ भी काम हो। जो लोग अच्छा कर रहे हैं सबके साथ काम करने, कोलेबोरेशन करने की हम लोग भी कोशिश करेंगे, वो लोग भी कर रहे हैं ऐसा। हमने सुना था कि मुकेश सर को काफी मेंटली टॉर्चर हुए थे वो, और फिर 2 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज हुए थे। वो हॉस्पिटलाइज क्यों हुए थे? हाँ मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली होता क्या है कि जैसे हमारे लिए सब कुछ, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा सब कुछ ये गाना है, और या जो भी म्यूजिक हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है उसमें, बहुत कुछ लग जाता है हमारा, शुरू से गाना प्रोड्यूस करना, गाना बनाना, ये बहुत, मतलब एक ऐसा लगता है एक गाने के साथ हमने पूरी जिंदगी को जी लिया, वैसा एक एक गाने को हम लोग मानते हैं। अब आप किसी बंदे, मैं मुकेश सर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप एक बार सोचो कि कोई लेवल हमें इंडिविजुअली सारी फैसिलिटी देता है, काम करता है हमारे साथ, गाने लेता है, इसके बाद बहुत सारा, मानता हूँ पैसे की बात नहीं करनी चाहिए लेकिन बात तो होती ही है पैसे की भी, तो वो सब लगाता है, पूरी यूनिट को लेकर के देहरादून जाता है, देहरादून में सारी चीजें होती हैं, और ये लोग उनकी सारी प्लानिंग को फेल कर देते हैं कि हम वहां नहीं जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, इधर ही कर लो, मुंबई में कर लो, हम वापस जा रहे हैं और हमें ये खाने को चाहिए, हमें 7 स्टार हर्षिल में ला के दो, आप कोई होटल 7 स्टार तो बनाएगा नहीं हर्षिल में, पहाड़ी पर बंदे जो है। मैंने वहां से आने के बाद जब इन लोगों ने ये सब किया, तो मैंने आकर के गूगल पर चेक किया हर्षिल के बारे में, तो मुझे ये मालूम चला, एक बहुत पुरानी मूवी आई थी राम तेरी गंगा वैली, मैं आपको एक बहुत छोटा सा वो बता रहा हूँ, उसकी एक्ट्रेस साकिन, जो उस टाइम की बहुत फेमस एक्टर एक्ट्रेस हुआ करती थी, तो जहां पर हम लोगों ने शूट किया, करने के लिए लोकेशन की थी, वो सब में वहां की कुछ लोकेशंस थी, तो उनके बारे में मैंने पढ़ा कि वो टाइम राज कपूर साहब ने वो फिल्म प्रोड्यूस की थी राम तेरी गंगा मैली, तो राज कपूर साहब ने जब रेकी करने गए वहां पर, तो देखा कि वो तो मंदाकिनी तो यहाँ आ नहीं पाएगी, तो उन्होंने वहां जाकर के उनको मना कर दिया कि इधर नहीं करते हैं, कहीं वो करते हैं, बट एक एक्ट्रेस के अंदर ये भूख थी काम को लेकर के, जिसने बोला सर मैं वहीं करूंगी, क्योंकि वो लोकेशन आपने फाइनल करी है, यही मेरा काम है, और अगर अगर आज डायरेक्शन में वो रेकी में वो लोकेशन फाइनल हुई है, तो ये मेरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वहां पर जाकर के जो भी चीजें हैं, जो भी वहां दिक्कतें हैं उनको, और वो टाइम था, वो बहुत पुराना टाइम था, मैंने देखा, और अभी तो सारी फैसिलिटी है, सब कुछ है वहां, तो आपके अंदर अगर काम को लेकर के वो चीज नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है काम को ही मना कर दो, आप मत करो जो आपको अच्छा लगता है, अगर आपको टिकटॉक और शॉर्ट मुझे वीडियो लगता है बनाना कि ही अच्छा लगता है। टोटालिटी में सब कुछ जो आप कह रही हैं सब कुछ हुआ, बट एक जो होता है ना कि सैचुरेशन पॉइंट आता है, वो पॉइंट उनका तब आया जब उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंची। क्योंकि एक्चुअली वहां तक उनको लाया गया कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा उनको चोट पहुंचाई गई, बहुत कुछ बहस, बहुत कुछ चीजें डिस्कशन तो हुआ, तो हाँ, इसलिए इसलिए फिर वो वहां से लौट, तबीयत उनकी वहीं खराब हो गई थी, क्योंकि बीच में कई बार ऐसा हुआ, आप रहने देते हैं, छोड़ते हैं, वही मतलब खत्म रोक लगता करते था, हैं, शूटिंग कैंसिल हो गई। शूटिंग कैंसिल करते हैं, अब चलते हैं, ऐसा बहुत बार हुआ, तो तबीयत उनकी वहां खराब थी, बट एक हर 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 बंदे की एक खुद की वो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उन्होंने निभाई अपनी आखिरी तक जो चीजें हो सकती थी की, और फिर हम लोग वापस जो है वहां आए, और बहुत मजा आया पूरे उसमें, बट क्या था, इन लोगों ने इतना डिस्टर्ब कर दिया था कि यूनिट के लोग भी बहुत परेशान थे, वो बोल रहे थे कि ऐसे अनप्रोफेशनल लोगों, किसी भी आर्टिस्ट को अगर आप दोबारा लेकर के आए तो हम पल्स म्यूजिक इंडिया के साथ काम ही नहीं करेंगे दोबारा। उनका ये जो रवैया था फॉर द म्यूजिक, अंजे जैसे वो रहे सेट्स पे, आपको लगता है कि टिकटॉक से जो उनको जो फेम मिला वो सक्सेस उनके सिर पे चढ़ गई, हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि उसके कारण उनका ऐसा था? देखिए बेसिकली किसी भी आर्टिस्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है, जो हम लोग समझते हैं कंटेंट तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन किसी भी आर्टिस्ट के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो होती है अच्छा इंसान होना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये लोग अच्छे इंसान नहीं है, ये इन्हें बेहतर पता होगा, लेकिन अगर अगर जो इन्होंने किया, जो सारी चीजें अभी कर रहे हैं, भाई अभी मेरी ये जो सारी बातें मैं बोल रहा हूँ, इसका एक सिंपल सा वो है,
क्वेश्चन है कि आपने चल कोई गल नहीं का एक पोस्टर भी क्यों नहीं शेयर किया जबकि उस गाने में आप नहीं किया। अच्छा तो टिकटॉक की जो इनका फेम था वो सर चढ़ के बोला या नहीं मुझे नहीं पता है, या ऐसे भी कह सकते हैं हो सकता है कि यही सब रीजन रहे कि आज टिकटॉक इंडिया में ही नहीं है। अगर आपको आप लोग जो है जिस चीज से बाहर आए हो और वो वही चीज को आप किसी के साथ पुराने आर्टिस्ट सीनियर आर्टिस्ट के साथ जो भी लोग हैं जो मुंबई में काम कर रहे हैं जो मूवीज में हैं, मैं अपनी बात नहीं करता हूँ लेकिन जो लोग भी हैं आपको ऐसा लगता है कि सब हमसे छोटे हैं, आज बड़े बड़े बॉलीवुड में जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं वो आपसे छोटे हैं, तो ये आपकी सोच गलत है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे टिकटॉक गया है ऐसे बहुत कुछ भी जा सकता है, बहुत फैंस उनको बनाया है, फैंस के लिए तो आप कम से कम वो और आप अगर फैंस उन्होंने बनाया है आपको और अगर आप आज कितने लाखों हजारों हमें मैसेजेस आ रहे हैं उनको आ रहे हैं हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि सर वहां से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो आप उनको भी कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हो इन सब चीजों में। ठीक है अपनी स्टोरी पर्सनल स्टोरी को लेकर के गाने को लेकर के, और तो ये गलत है कहीं ना कहीं और ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो इसलिए वो जा करके जब वहां गए तो आप वापस आए तो 2-3 दिन काफी बीमार रहे और एडमिट भी होना पड़ा था जी। सो आपने इस चीज को इतना मतलब यूट्यूब पे ले गए और आपने आप इंटरव्यूज में बोल रहे हो कि इन दोनों ने ऐसा किया, उन तो उन उनको ऐसा उनकी तरफ से वापस कोई ऐसे सॉरी लेटर या कोई कोई रिप्लाई आया कि सॉरी फॉर जब मैंने आपको बोला जब पोस्टर के लिए लेवल ने इनको इनसे बात करी तो वहां पर भी ये कहते हैं ना घुमाना बात को लेकर के कि हाँ हो रहा है कर रहे हैं ऐसा कुछ दिन ऐसा किया फिर रिस्पांस करना ही बंद कर दिया। सो उन्होंने सॉरी या वैसा कुछ भी आपको वापस किसी मुकेश मुकेश सर को भी सॉरी की जरूरत ही नहीं है, सॉरी की कोई हमें नीड नहीं है, बट एक एक पर्सनल काउंसलिंग जरूर करनी चाहिए कि अगर आप किसी आर्ट फील्ड में हो और काम कर रहे हो तो आप की जो जिम्मेदारी है उसको आपको निभाना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है कहीं ना कहीं। सॉरी यही होता है और शायद अब मुझे लगता है कि चल कोई गल नहीं की लाइन इनके लिए ही है, इसलिए मैं लास्ट में ऐसा बोलता हूँ कि ठीक है चल कोई गल नहीं जब भी होता है इन लोगों को भी ऐसे ही अगर ये मेरे सामने आएंगे तो मैं ऋषिफा को भी यही बोलूंगा ऋषिफा चल कोई गल नहीं भाई जो किया, बट आगे से ऐसा नहीं किसी के साथ करना, ये चीजें हैं ये। लेकिन कोई नहीं इतना सारा प्रॉब्लम हुआ फिर भी आउटकम बहुत ही अच्छा हुआ, हमको ऐसा कोई रियलाइज नहीं हुआ। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हाँ बहुत अच्छा, और इवन सारी स्ट्रीमिंग साइट gaana.com ये वो सबसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, लोग जो है गाना सुन रहे हैं और सब अच्छा वो है, रील्स बना रहे हैं और हमें सेंड कर रहे हैं, हम लोग फीचर कर रहे हैं आपके मीडियम से भी। मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये हमारा दिलदारी और चल कोई गल नहीं जो लेटेस्ट आया ये सुन रहे हैं अच्छा लगता है तो रील्स बनाए अपने वीडियो शॉर्ट वीडियो बनाए हमें भेजे उसको सेंड करें हम लोग उसको फीचर करेंगे सारे प्लेटफॉर्म्स पर। सो यू आर टॉकिंग समथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस सॉन्ग, आप लोग इतने बड़े यू नो म्यूजिक कंपोजर से गाने बनाते हो, सो फॉर द स्ट्रगलर्स यू नो इंडिया में बहुत सारे स्ट्रगलर्स है जो ऐसे बनाना चाहते हैं, यू नो संदीप सर कंपोजर है, उन स्ट्रगलर्स के लिए उनको कोई टिप्स दे सकते हो आप? हाँ बेसिकली टिप्स तो नहीं बोलूंगा क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है कि आजकल म्यूजिक थोड़ा सा चेंज हो गया है म्यूजिक में रोज रोज कुछ नया हो रहा है, लोग नया कर रहे हैं और ऑडियंस भी पब्लिक भी लोग भी उन्हीं को पसंद कर रहे हैं जो कुछ नया करते हैं और नया लेकर के आते हैं, कॉपी नहीं चल रहा है कवर नहीं चल रहा है, तो ये अच्छी बात भी है कि इंडिया भी एक्सप्लोर कर रहा है म्यूजिक को बहुत वर्ल्ड वाइड और बाहर हमारा म्यूजिक बहुत पसंद किया जा रहा है, इंडिया इंडियन म्यूजिक को लोग बाहर जान रहे हैं कैसा काम करते हैं और नया म्यूजिक ले ले करके आते हैं। तो है क्या कि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग म्यूजिक में काम कर रहे हैं और आजकल तो बहुत सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज्यादा आसान हो गया है कि आपके पास अगर कोई अच्छा कंटेंट है आप करते हो तो लोग उसको पसंद करते हैं और लेवल्स हो गए ये हो गए ये लोग बहुत एंटरटेन भी कर रहे हैं, अच्छा प्रोडक्ट रहता है अच्छा कंटेंट रहता है तो वो लोग भी जो है उसको रिलीज करने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। जो लोग भी हैं जो कर रहे हैं जो करना चाहते हैं उनके लिए ये जरूर है कि कंटेंट जो है वो अच्छा हो उस पर मेहनत करें और कभी भी ऐसा ना सोचें कि अगर एक गाना आता है और बहुत बड़ा वो आगे हो जाता है तो उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं जो हूँ वो मैं हूँ, तो वैसा नहीं होना चाहिए, हमेशा सीखते रहें क्योंकि रोज अपडेट हो रहा है रोज नए लोग आ रहे हैं टैलेंटेड लोग आ रहे हैं और सबको अच्छा आता है, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल ना सोचें कि सिर्फ हमें आता है। वही अच्छी चीज है क्योंकि क्या है कि आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि जो मोनोपोली पहले होती थी लेबल्स में या कंपनीज में
या अभी नॉन फिल्मी म्यूजिक को बहुत अच्छा बेस मिला है, क्योंकि फिल्म म्यूजिक वैसा जैसा कोरोना और ये सब चीज चल रही तो बहुत अच्छा वर्कआउट नहीं कर पा रही है, लेकिन अभी जो नॉन फिल्मी म्यूजिक है उसको एक अच्छा बैकअप मिला है, खासकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब और बाकी चीजों से। तो आज जब से यूट्यूब और बाकी चीजें आई हैं तो बहुत सारा म्यूजिक, बहुत अलग तरीके का म्यूजिक, फोक हो चाहे वो इंटरनेशनल म्यूजिक हो चाहे वो रैप हो, हर किसी चीज को लोग पसंद कर रहे हैं और सबके अलग अलग सब्सक्रिप्शन बेस है। तो अच्छी चीज ये है कि अगर आपके अंदर है कुछ, आप उसको फोकस रह के आप उसमें मेहनत करिए, और यूट्यूब है आप एक्सप्लोर करके और एक हेल्प पढ़ के भी आजकल बहुत लोग बहुत कुछ चीजें उनको मिल जाती हैं। तो कंटेंट अगर आपका अच्छा है, आप क्वांटिटी बरकरार रखिए, धीरे धीरे करते रहिए, आपको एक दिन जरूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपका एक अलग ही एक रास्ता निकल के आएगा। जैसे मतलब अभी हम लोग भी डिस्कशन करते हैं, जैसे मैं बेसिकली अपने पर्सनल चैनल पे मैं शिव के गाने भी करता हूँ, तो मेरा अभी एक गाना, एक डमरू जो बाजे गाना भी मैंने रिलीज किया कुछ दिन कल कल परसों बहुत रिलीज अच्छा किया था, गाना है। और वो मेरा एक पर्सनल मेरा एक लाइकिंग है कि मैं मतलब अपने खाली टाइम में जब मैं कमर्शियल काम कर रहा हूँ उसको छोड़ के मैं शिव के लिए ऐसे कुछ गाने बना सकूं जो थोड़े से डिफरेंट, डिवोशनल नहीं बट डिफरेंट फ्यूजन ट्रैक्स हो। तो मैं उसको बिना किसी लेबल के ही रिलीज करता था अपने चैनल पे, और सडनली अभी रिसेंटली काशी में देव दीपावली में नरेंद्र मोदी जी ने उसको शेयर किया बनारस में, तो मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही हैपनिंग मोमेंट था, और उसके बाद से मेरे पास मेरे चैनल में काफी व्यूज और काफी सब कुछ आने लगा। तो अब मेरे गाने वो लेबल्स से और बाकी चीजों से टाई अप में हो गए हैं, तो अब मैं हर महीने एक गाना शिव का कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो एक एग्जाम्पल है कि आपको सही जो बात, पसंद है आप अपने चैनल या अपनी चीजों से आप उसको शेयर करते रहिए, कंटेंट अच्छा होगा तो पब्लिक अपने आप आपके पास आएगी, वो सजेशन है। वो वाला गाना आपने बनाया था क्या कि ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने कि पूरा कैलाश पर्वत मगन हो नहीं, गया? वो वाला गाना हंसराज रघुवंशी का है। रघुवंशी का मेरा गाना डमरू जो बाजे अभी परसों आया है, वो गाना पहले आ चुका है 2-3 महीने या 4 महीने हंसराज पहले। हाँ रघुवंशी भी हम लोग के अच्छे फ्रेंड हैं हाँ वो और भी अच्छा म्यूजिक करते हैं। अच्छा म्यूजिक हाँ करते हैं, और वो भी देखा जाए तो इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही निकल के आ गया है। और मेरा गाना एक मोदी जी ने शेयर किया था देव दीपावली में काशी में, जब 2 दिसंबर को था, अभी ये 2 दिसंबर को था, ट्वीट और गाना ट्वीट भी किया उन्होंने, किया था उन्होंने सारे प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम से, सब जगह फेसबुक डाला, इंस्टा से, और काल के सारे हैं काल महाकाल गाना के है। हैं महाकाल के नाम से गाना था। तो अभी वो काफी मतलब कुछ 30 मिलियन क्रॉस हो चुका है वो सब जगह पे सारे यूट्यूब में। तो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल है कि अगर किसी को पसंद आता है, तो मुझे नहीं पता था कि मोदी जी मेरा गाना सुनेंगे और शेयर करेंगे ट्विटर पे और फेसबुक पे यूट्यूब पे, तो मेरे लिए बहुत विन विन मोमेंट था। तो यही एक एग्जाम्पल है कि आप सभी नए लोगों को ऐसा हर तरीके का काम करना मतलब ये अच्छा चाहिए। काम करते हैं हम लोग, अगर अच्छा कर रहे हैं और पब्लिक को अच्छा लग रहा है तो फिर सब हो जाता है, वो जी लोगों को अच्छा लग रहा है तो सब हो जाता है। ठीक है। सो मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके बहुत ही मतलब काफी कुछ जानने को मिला हमें, सो थैंक यू वेरी मच। और यू नो आप लोग किसी अभी नए गाने में बिजी हो, नया गाना बनाने में, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू सॉन्ग्स एंड न्यू एल्बम्स। बाकी और भी स्टार्स मिलते रहेंगे, हमें अप्रोच कर लीजिए, हम तो इंस्टाग्राम पे पोस्टर क्या सब कुछ डाल देंगे, हम तो मतलब बैनर्स लगवा देंगे। नहीं नहीं हम तुम्हारे बिल्कुल अप्रोच होंगे जब भी हमारे बिल्कुल नए अच्छे से गाने, कनेक्ट होंगे हम लोग। अभी हमारे एक साथ 3 या 4 गानों पे काम चल रहा है, तो बहुत जल्दी वो रिलीज होंगे, तो जैसे ही रिलीज होंगे हम बिल्कुल कनेक्ट करेंगे, आपसे भी बस कनेक्ट कोशिश करेंगे करेंगे। कि नेक्स्ट सॉन्ग में किसी ऐसी स्टोरी के साथ नहीं आएंगे हम लोग, कुछ अच्छा ही करेंगे और ऐसी कोई बात नहीं करेंगे नहीं, आपका क्योंकि आउटकम बहुत ही प्यारा था, आउटकम बहुत ही अच्छा था, पीछे तो प्रॉब्लम्स ठीक है होती रहती है, आउटकम बहुत ही अच्छा था। वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और सुनिएगा आप भी, शेयर करिएगा अपने जरूर लोगों पक्का, ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर। को। थैंक यू सो मच, थैंक यू।